बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत टाडा मंगला की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती जैतन भाई ने बताया कि ग्राम पंचायत का विकास करवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिद्धांत के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगी। सरकार से प्रदत्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुँचाना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। प्रत्येक घर शौचालय निर्माण व पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत टाडा मंगला के नवनिर्वाचित सरपंच जैतन भाई, जो उनसे बातचीत करते हैं कि अब आगे एजेंडा क्या रहेगा, किन किन मुद्दों को लेके वो चलेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो सरपंच साहब, अब आप सरपंच बन गए हैं तो अब लोगों के लिए क्या करवाएंगे? विकास करो। तो साथ ही मुलाकात करते हैं, सरपंच प्रतिनिधि है उनसे मुलाकात करते हैं लवजी भाई। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो सर साहब, ये बताइए कि अब आपके लोगों ने तो आपको ताज पहना दिया है, लोगों ने आपको मौका दे दिया, सरपंच पद विराजमान हो चुके हैं, तो अब आपके आगे मुद्दे क्या रहेंगे? ग्राम पंचायत टांडा मंगला से हमारे जो गरीब लोगों ने हमने बहुत अब हमारे लिए संघर्ष करके हमको जिताया है, तो हम सराया और मोहल्ला साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्वच्छ मिशन भारत का जो चल रहा है उसके हिसाब से बनपुरा चौकड़ी पे, हाईवे रोड पे चौकड़ी हमारी बनी हुई है, मोहल्ले हैं छोटे मोटे, उसमें साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका भी ध्यान रखेंगे और छोटे मोटे गरीबों का बिल्कुल विकास करके चलेंगे, साथ में लेके 5 साल तक कार्य पूरा करेंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही अच्छा नारा है मोदी जी, तो भी आप चल रहे हो, तो समझ साहब सबसे अहम खड़ी होती है शिक्षा, तो शिक्षा के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? शिक्षा के लिए हमारे प्रयास रहेंगे, छोटी मोटी स्कूल में भी हम देख रेख रखेंगे और अध्यापक से मिलते रहेंगे, समय समय पे विद्यालयों में निरीक्षण करेंगे और स्टाफ से मिलजुल के शिक्षा किस तरह है उसको सुधारेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में एक नशा है, नशा अपना जाल है वो बिखेर रहा है, तो ऐसी स्थिति में नशे को रोकने के आपके क्या प्रभावी कदम रहेंगे? इस एरिया में हमारे नशे के छोटे मोटे भाई नशे के गुजर में लगे हुए हैं, उस नशे के लिए बिल्कुल ध्यान रखते हुए हमारा जो मिलने वाले कोई बाठी है दारू निकालने वाले, उससे हम तो थोड़ी रोक ठोक करके हम उसको ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार में तहत रहेंगे। तो सर साहब, इस क्षेत्र में आपने सुना है पंचायती राज के अंदर एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे इधर उधर आप जाते हो या मीडिया के माध्यम से अखबारों में सुना आपने कि पंचायती राज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको रोकने के क्या प्रभावी कदम रहेंगे आपके? भ्रष्टाचार के लिए हम साथ में चलेंगे और छोटे मोटे अफसरों से कहेंगे भी कि हमारा गरीब लोगों का विकास करो और भ्रष्टाचार को थोड़ा रोकथाम के लिए आप ध्यान में रखते हुए सबको मिलते रहेंगे, भ्रष्टाचार हटवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, RPD News में आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।